सत श्री अकाल, तुसीं PNCN देख रहे हो। इस समय तुहानूं असीं कैनेडा भर तों कई खबरां दस्सांगे। सब तों पहलां शुरुआत करांगे कि जो कैनेडा भर दे एयरपोर्ट्स तों खास सोमवार नूं कई फ्लाइटां रद्द होण ते फ्लाइटां विच देरी होण दे मामले सामने आए, जिस दे नाल हज़ारां दी गिणती विच यात्री प्रभावित होए, जिन्हां दे वल्लों लगातार शिकायतां कीतियां जा रहियां ने। जिवें कि इह साल दे अजिहे दिन ने जदों सब तों ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं, हवाई सफर करते हैं, छुट्टियां दे दिन चल रहे हैं। तो अजिहे विच कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते जिवें कि अजिहे दिनां विच हर रोज़ 50,000 के नेड़े यात्री पहुँचते हैं जां फिर उत्थे तों उह किसी होर थां दे वास्ते उड़ान भरते हैं। तो अजिहे विच एयरपोर्ट अधिकारियों ने दस्सिया कि उन्हां दे सब तों ज़्यादा मशरूफ रहण वाले दिन होंदे ने दिसंबर 22, 23 ते 27, पर सोमवार के दिन जिवें कि दिसंबर 19 नूं ही लोगों नूं काफ़ी ज़्यादा उस समय खज्जल होना पिया जदों फ्लाइटां कई देरी नाल उत्थे पहुंचियां जां फिर कई फ्लाइटां रद्द हो गईयां, जिस विच कई यात्रियों ने अपने अनुभव भी सांझे किए कि कैलगरी एयरपोर्ट के उत्ते सोमवार की सवेर नूं एक यात्री सवेर के 5 बजे पहुंचिया, जिसने कि उत्थे रात के 11 बजे पहुंचना सी, जिसनों के इस करके अपनी होटल की बुकिंग भी रद्द करनी पई, किराए के उत्ते लई हुई कार भी रद्द करनी पई ते उसका सारा काम इस नाल प्रभावित होया, जिसने कहा कि वह 6 घंटे दी देरी तो बाद कैलगरी एयरपोर्ट के उत्ते पहुंचे है, पर उसका समान हजे भी टोरोंटो दे विच ही है। तो कुछ इस तरह होर भी काफ़ी गिणती विच लोग एयरपोर्ट के उत्ते इस समय खज्जल हो रहे ने, जिस दे पिछे मुख्य कारण मौसम का खराब होना दस्या जा रहा है। कैलगरी विच सोमवार नू घट्टो घट 28 फ्लाइटां अजिहियां सन जिहड़ियां के रद्द हो गईयां ते 70 दे नेड़े अजिहियां फ्लाइटां जिहड़ियां के देरी दे नाल पहुंचियां, जिन्हां दे लई देर हो गई। बर्फबारी ते अगे देखण विच दिक्कत आउणी मुख्य कारण दसे जा रहे ने वैनकूवर, मोंट्रियल, टोरोंटो, इन्हां थावां दे उत्ते मौसम बहुत खराब चल रहा है, जिस करके फ्लाइटां दा सारा ही सिस्टम प्रभावित हो रहा है। वैसट जैट ने इस वास्ते अपने यात्रियों तो मुआफ़ी भी मंगी है, जिन्हां ने कहा है कि फ्लाइटां रद्द होण ते फ्लाइटां च देरी होण करके जिहड़े भी प्रभावित होए ने उह उन्हां तों माफ़ी मंगदे ने। अल्बर्टा ते ब्रिटिश कोलंबिया विच कड़ाके दी ठंड नूं लैके इस समय चेतावनी भी जारी है। तो अजिहे विच फ्लाइटां दा रद्द होना जां फ्लाइटां विच देरी होनी, इस दे लई अधिकारियों दे वल्लों भी मुआफ़ी मंगी जा रही है। जिवें कि कड़ाके दी ठंड दे करके एयरपोर्ट्स दे काम दे उत्ते प्रभाव पिया, फ्लाइटां वड्डी गिणती विच रद्द होईयां जां उहनां विच देरी होई। इह ना सिर्फ कैलगरी दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सगों वैनकूवर दे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तों अजिहे ही मामले सामने आए ने, जिथे कि वड्डी गिणती फ्लाइटां रद्द होईयां ने जां उहनां विच देरी होई है। इस समय जो कड़ाके दी ठंड पै रही है, जिस नाल जुड़ी चेतावनी पहलां तों जारी कीती गई है, फिर बेशक अल्बर्टा, सस्कैचवन, मोंट्रियल, मैनीटोबा, ओंटेरियो जां ब्रिटिश कोलंबिया, हर थां दे उत्ते इस समय वक्खो वक्खरियां कैनेडा दे वातावरण विभाग दे वल्लों चेतावनियां दित्तियां जा रहियां ने, जिस विच सब तों खास तौर दे उत्ते चेतावनी दित्ती जांदी है ड्राइवर्स नूं कि अजिहे विच गड्डी चलाउंदे होए ध्यान रखिया जावे ते जदों भी हाईवे दे उत्ते खास तौर ते जां किसी दूर थां दे वास्ते वाहन लैके निकलना है तां अजिहे विच पहलां तों मौसम दे बारे जरूर देख लिया जावे ते जो स्पैशल वैदर वार्निंग हुंदी है उस दे उत्ते ध्यान जरूर दित्ता जावे ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ -25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੌਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵੌਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਕੌਂਡੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।
मौके दे उत्ते पुलिस की गोली नाल गोलियां चलाउण वाले व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पछाण 73 साल के फ्रांसिसो विली वजो हुई है, जिसका कि रिहायशी इमारत के बोर्ड के नाल लंबे चिर तों विवाद चलदा रहा सी। जिस दिन उसने हमला किया उस दिन अदालत विच उसते मामले की सुनवाई भी होनी सी, जिथे के जेन स्ट्रीट ते रदरफोर्ड रोड के उत्ते जदों पुलिस नूं एतवार दे दिन बुलाया गया तो पुलिस ने इमारत विच पहुंच के देखा कि वक्खो वक्खरियां मंजिलां दे उत्ते मृतक मौजूद सन। जांच टीम ने जदों जानकारी दित्ती है तो यह भी कहा कि विली ने कतल करन दे लई सैमी ऑटोमैटिक हैंडगन की वरतों की है। तो हुण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों भी इस उत्ते अफसोस दा प्रगटावा किया गया, जिसके बारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्हां परिवारक मैंबरां दे वास्ते उन्हां दा दिल बहुत दुखी हो रहा है जिन्होंने अपने आप खो दिता है, तो जो जख्मी ने हस्पताल दे विच ने उन्हां दे वास्ते भी दुख का प्रगटावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया। जिवें कि दुख का प्रगटावा किया जा रहा है, जिस उत्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही नहीं सगों होर पार्टियां दे राजनीतिक आगू ने जो उन्होंने समेत कैनेडा भर में कैनेडा वासियों के वलों भी इस उत्ते दुख का प्रगटावा किया जा रहा है। तो एक बहस मुड़ तो छिड़ गई है हथियारों नाल जुड़ी हुई, तो इस बारे अगर जेकर कोई होर अपडेट सामने आती है तो अस तुहानू दसांगे। अगे हुण तुहानू जानकारी देवांगे कि टोरंटो पुलिस ने एक 31 साल की औरत नूं गिरफ्तार किया, जिसने कि सबवे स्टेशन के उत्ते 6 जणियां दे उत्ते हमला कर दिता। टोरंटो पुलिस ने दसिया कि 31 साल की अमीना हसन यंग सबवे लाइन के उत्ते जो कि क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ते डेविसविल एवेन्यू के दरम्यान है, उत्थे एक औरत ने कई अनजाण व्यक्तियों के उत्ते वारो वारी हमला किया, जिस दे विच चश्मदीदां दे वल्लों ये भी कहा गया कि उसके कोल बोतल सी, उसने बोतल ही कईयां दे मारी है, जिस तों बाद एक जना अजिहे रूप में जख्मी होया कि उसनू हस्पताल ले जाना पिया, ते बाकी किसी दे ज़्यादा कोई सट नहीं आई, पर 13 मामले इस औरत उत्ते दर्ज किए गए ने, जिसनों कि गिरफ्तार कर लिया गया, ते हुण अगे उसकी अदालत विच इस मामले के उत्ते सुनवाई चलेगी। हुण रुख अगली खबर दे वल करांगे। काफ़ी मंदभागी खबर सरी तो सामने आई उस समय जदों एक 23 साल के नौजवान ने दम तोड़ दिता, जो कि एतवार की रात नूं तुरिया जा रहा सी कि उसके नाल एक गड्डी की टक्कर हो गई, जिस तों बाद उसनू हस्पताल पहुँचाया गया, ते सोमवार नू पुलिस ने जानकारी दित्ती कि उस नौजवान ने हस्पताल विच दम तोड़ दिता। 8200 ब्लॉक ते 168 स्ट्रीट दे उत्ते एतवार दी रात नू 9:30 बजे यह मामला सामने आया, जिसके बारे RCMP ने एतवार दी रात नू ही जानकारी दे दित्ती सी। ते हुण पुलिस ने कहा है कि जेकर किसी दे कोल वी इस हादसे नाल जुड़ी हुई डैशकैम फुटेज होवे जां फिर 168 स्ट्रीट दे खेतर दी उस समय दी कोई भी होर वीडियो जां कोई फोटोज़ होण तां पुलिस दे नाल संपर्क जरूर किया जाए। सरी RCMP नाल 604-5990-502 ते फोन करके संपर्क किया जा सकता है, ते 2022-191-976 फाइल नंबर बोलिया जा सकता है। इस नाल ही हुण अगली खबर दे वल रुख करांगे। अगे कि बर्नबी दे विच पुलिस ने दस्या कि सोमवार दी सवेर नूं ही उन्होंने 50 अजिहे वाहन रोके जिन्हां दे उत्ते बर्फ़ मौजूद सी, ते अजिहे विच ही ड्राइवर गड्डी चला रहे सन। जेकर गड्डी दे पिछले शीशे नूं भी चंगी तरह साफ़ नहीं किया गया, तो आले दुआले भी ते अगे वाले शीशे नूं भी चंगी तरह साफ़ नहीं किया गया, तो यह गैर कानूनी है, जिस वास्ते टिकट मिल सकती है, तो 3 पॉइंट लाइसेंस से भी आ सकते हैं, जो कि अगे देखण दे विच दिक्कत आवे। अजिहे किसी भी हालात विच किसी ड्राइवर नूं पाया जाता है कि उसका कसूर होवे कि गड्डी नूं चंगी तरह साफ़ ना किया गया होवे, तां अजिहे विच टिकट भी मिलती है, तो लाइसेंस के उत्ते पॉइंट भी पै जाते हैं, जिस करके जरूरी है कि अजिहे विच ध्यान दिता जाए, तो अपनी तो दूजियां दी सुरक्षा दे लई भी जरूरी है कि जो हुण लगातार बर्फबारी भी हो रही है, तो अजिहे विच वाहन लैके कुछ इस तरह ना निकलिया जाए कि सिर्फ ड्राइवर अपने देखने वाली थान नूं तां शीशे नूं साफ़ कर लवे, पर उसके नाल वाले शीशे तो पिछले शीशे नूं जेकर नहीं साफ़ किया होया, जां फिर गड्डी दे उपर भी जेकर बर्फ़ हुंदी है, तो जदों सड़क दे उत्ते गड्डी जा रही होवे तां अजिहे विच फिसल के गड्डी दी छत तों बर्फ अगे भी आ सकती है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है, जिस लई जरूरी है कि गड्डी दी छत तों भी बर्फ नूं जरूर हटाया जावे जदों भी गड्डी लैके सड़क दे उत्ते निकलना है, जो कि सुरक्षा दे लई बेहद जरूरी है। तो इसे नूं लैके बर्नबी RCMP ही नहीं सगों होर पुलिस अदारियां दे वल्लों भी लगातार चेतावनी भी दित्ती जा रही है, तो सड़कां दे उत्ते इस संबंधी चैकिंग भी की जाती है। हुण अगली खबर दे वल, जो कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिस विच इस साल भी जो प्रवासियों नूं पक्के करन दा अंकड़ा मिथ्या गया सी उस नूं पूरा किए जाण दा दावा किया गया, तो नाल ही वर्क परमिट विजिटर वीज़ा ते सिटीजनशिप वालिया ने जो अर्जियां लाइया हुई ने, ते फिर जिन्हां अर्जियां दी प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है उस नाल जुड़े
जो इस समय अंकड़े जारी किए गए ने उस रिपोर्ट के बारे थानू दसांगे। नवंबर महीने के अंत तक 48 लाख फाइलों की प्रक्रिया साल 2022 पूरी की गई है। यह दावा करते हुए कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने अज एक रिपोर्ट जारी की जिन्हें कहा कि पिछले साल इस समय तक 25 लाख फाइलों की प्रक्रिया ही पूरी हो सकी सी, ते इस साल यह अंकड़ा करीब दुगुना हो गया है। इस साल स्टडी परमिट भी वड्डी गिनती विच दिते जा रहे ने। यह दावा करते हुए दसिया गया कि नवंबर 30 तक साल 2022 670,000 स्टडी परमिट फाइलों के उत्ते काम किया गया है, जबकि पिछले साल इस समय तक 5 लाख स्टडी परमिट फाइलों के उत्ते काम किया गया सी, जिस दे विच ओ भी शामिल ने जिन्हां दे रिफ्यूजल आए ने। कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग ने नवी रिपोर्ट विच दावा किया है कि हुण स्टडी परमिट की प्रक्रिया करीब 60 दिन के अंदर पूरी कर दी जाती है। वर्क परमिट के लिए भी समय विच तेजी की गई है। नवंबर 30 तक इस साल 7 लाख वर्क परमिट की प्रक्रिया पूरी हुई, जबकि साल 2019 विच इसे समय तक यह गिनती 2,23,000 सी। महामारी तो पहला की तुलना मुताबक कैनेडा के लिए हुण विजिटर वीजा के लिए अर्जियां भी ज़्यादा आ रही ने, जिन्हां की प्रक्रिया चलाई जा रही है। नवंबर महीने विच ही 2,60,000 विजिटर वीजे दियां अर्जियां दे उत्ते काम होया, जबकि साल 2019 विच यह गिनती 1,80,000 सी। इस साल की तुलना साल 2019 दे नाल इस करके की जा रही है क्योंकि महामारी तो पहला कुछ आम वर्गा जो कम चलता सी कुछ उस तरह हुण दोबारा तो शुरू हो गया है। साल 2020-21 कोविड-19 दे करके काम दे उत्ते प्रभाव पिया सी, ते हुण PR लाउण वालियां दे बारे दस्या गया है कि इमीग्रेशन विभाग विच सर्विस च सुधार आया है, ते परिवारां नूं एक दूजे नाल मिलाउण दे लई काम छेती नाल हो रहा है। साल 2021 विच कैनेडा ने 4,05,000 प्रवासियां नूं पक्के किया सी, ता साल 2022 विच इह रिकॉर्ड भी टुट गया जदों 4,31,000 तों वध प्रवासियां नूं पक्के किया जा रहा है। पति जां पत्नी दी PR दे लई हुण काफ़ी समा घट लगना मुड़ तों शुरू हो गया है। महामारी तों पहलां वाले समें दे विच ही प्रक्रिया नूं पूरे किए जाण दा दावा किया जा रहा है कि 12 महीने विच स्पाउसल स्पोंसरशिप दीआं अर्जियां दी प्रक्रिया पूरी हो रही है, तां नवी एक्सप्रेस एंट्री दे वास्ते जो अर्जियां लग रही ने उन्हां दी प्रक्रिया 6 महीने दे विच पूरी होण दा दावा किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह सिटीजनशिप दे वास्ते भी जिन्होंने अर्जियां लाईया हुई ने उन्हां दी अर्जियां दी प्रक्रिया नूं पहलां नालों तेजी दे नाल पूरा करन दा दावा किया जा रहा है, जिस विच बैकलॉग नूं भी घट करन दा दावा किया गया है। अप्रैल तो नवंबर महीने दरमियान 2,51,000 नवे नागरिकों का स्वागत किया गया, तो साल 2022-23 दे विच यह अंकड़ा रिकॉर्ड तोड़न वाला यह दावा किया जा रहा है क्योंकि अर्जियां की प्रक्रिया दे विच पहला नालों तेजी लियांदी जा रही है। अज दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, मैनूं पुनीत कौर नूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।